कैसा हो, का मुख्यमंत्री कैसा हो। पांच प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक तरफा जीत होते देख इनका जश्न उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कुछ खास देखने को मिला। यहां के रहने वाले राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूर्णिया के समर्थक हाथों में पीएल पूर्णिया के पोस्टर लेकर जश्न में डूबे दिखाई दिए और पीएल पूर्णिया को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। खास बात है कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, माननीय पीएल पूर्णिया जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए वो यहाँ से सांसद रहे हैं और हम जनता के दिलों की धड़कन है और मैं उसको हिनूर के हीरे की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भाई फोटो हम लोग इसलिए उनका लिए हुए हैं कि 5 साल के सांसदी कार्यकाल के अंदर कितना ज़्यादा हमारे बाराबंकी के अंदर उन्होंने काम करवाया है और इसीलिए हम लोग जो है उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं और खुश है। और छत्तीसगढ़ के अंदर वो कह रहे थे जिस तरीके से फूल मसला जाता है उसी तरीके को हम भाजपा पार्टी को मसल देंगे और उन्होंने मसल के दिखला भी दिया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पीएल पुनिया ही वहाँ मुख्यमंत्री बने वहाँ पे। हमारे पीएल पुनिया की मेहनत छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा से ज़्यादा हुई है और हम लोग का यही संभावना है कि हमारे पीएल पुनिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखने की आवश्यकता करते हैं। मुख्यमंत्री पुनिया जी बनना चाहिए छत्तीसगढ़ के, क्योंकि प्रभारी ये पीएल पुनिया जी थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा को इस तरह रौंदा जैसे एक फूल मसल दिया जाता है, उस तरह भाजपा के कमल को मसल दिया और वहाँ के नेताओं को मसल दिया। छत्तीसगढ़ में हमें पूरी बहुमत आ रही है, अब कांग्रेस का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और सत्ता जो है कांग्रेस के हाथ में आई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस का? हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं पीएल पुनिया जी को बनाए जाए। अभी तक के रुझानों को देखा जाए तो 3 महत्वपूर्ण प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से सुस्त पड़े कांग्रेसियों में एक बार फिर जोश भर गया है और यही जोश आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री कैसा हो। बाराबंकी से महमूद आलम के साथ आर मुस्तफा, न्यूज 75 ब्यूरो।